मैं डॉक्टर अभिषेक पालोटिया, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, यूनाइटेड हॉस्पिटल गोंदिया। क्या फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज आपके नी पेन को बढ़ा सकती है? आज अपन इस बारे में बात करें। तो इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर, सीधा सीधा आंसर है कि हाँ, फिजिकल एक्टिविटी से आपके घुटने का दर्द बढ़ सकता है। बट यह उन पेशेंट्स के बारे में बात करें जिनको ऑलरेडी नी में पेन है, तो ऐसे पेशेंट्स में किस टाइप की एक्सरसाइज करनी है, कैसे करनी है, इसके लिए पहले डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। मैं डॉक्टर अभिषेक पालोटिया, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, यूनाइटेड हॉस्पिटल गोंदिया। मेरा ट्रेनिंग लंदन में पूरा हुआ है। मैं हमेशा जॉइंट रिप्लेसमेंट के फील्ड में जो भी जानकारी मैं आपको दे सकूं या जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी मैं ला सकूं जिससे मेरे पेशेंट्स को फायदा हो, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं वो जानकारी आप लोगों को मेरे वीडियोस के माध्यम से दे। पेन क्या है? पेन एक सिग्नल है जो बॉडी आपको देती है आपकी बॉडी को बचाने के। इसका एक बहुत साधारण सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि आपको किसी ने पिन प्रिक किया तो आप हाथ खींच लेते हैं। आप इसलिए हाथ खींचते हैं क्योंकि आपको बहुत जोर के दर्द हो, तो दर्द आपको ये बताता है कि आपको आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। तो इसी प्रकार से जब भी बॉडी में कहीं पे भी कोई चीज डैमेज हो, जैसे एक एज के कारण, वेट के कारण, अदर फैक्टर्स के कारण जब आपका घुटना डैमेज होने लगता है तो बॉडी उसको दर्द के फॉर्म में आपको बताती है। तो लोग बहुत सारी अलग अलग प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि रनिंग, साइकिलिंग, सुपा जंपिंग, हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज करते हैं जिससे उनका घुटने का दर्द बढ़ सकता है, और सिर्फ दर्द नहीं, घुटने के अंदर जो डैमेज हो रहा है वह भी बढ़ सकता है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि ऐसे कोई भी वीडियोस जिसकी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, सहायतापूर्ण हो सकती है, आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं अब आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि फिजिकल एक्टिविटीज आपका दर्द किस तरीके से बढ़ाती है। तो जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज जैसे कि जंपिंग, जुम्बा, इस टाइप की एक्टिविटीज, तो आपके घुटने के अंदर का ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है, आपके घुटने के ऊपर लोड बढ़ रहा है। अगर आप जंप कर रहे हैं, आपके घुटने पेन है, जब आप जंप कर रहे हैं तो वो लोड, जो एक्स्ट्रा लोड है, वो आपके घुटने पे आ रहा है। ये स्ट्रेस बढ़ने से आपके घुटने के अंदर का इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। इन्फ्लेमेशन जब बढ़ता है मतलब घुटने के अंदर जो कार्टिलेज और जॉइंट के सरफेस है, स्ट्रक्चर्स है, उसमें सूजन आती है। ये सूजन आने से पेशेंट को दर्द फील होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है और आपका दर्द और बढ़ जाता है। ऐसा होने से एक इम्बेलेंस होता है मसल्स और बोन में, जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, जो मांसपेशियां और हड्डी आपस में मिलकर काम करे, उसका इम्बेलेंस हो जाता है उसके बीच में, जिस कारण कई बार आपके गिरने की भी चांसेस रहते हैं। कई बार मैंने देखा है आपको बहुत समय से आदत नहीं है एक्सरसाइज करने की, रनिंग करने की, और आप नी पेन से तकलीफ में और आप एक्सरसाइज चालू करते हैं तो वो पेन सहन नहीं होने के कारण इम्बेलेंस होने से आप गिर जाते हैं, जिससे आपको और ज्यादा इंजुरी हो सकती है। जो आपके घुटने में आर्थराइटिस का जो डिजनरेशन, जो घुटना खराब हो रहा है, घस रहा है, उसका लिक्विड सूख रहा है, वो और तेजी से बढ़ने लगता है। तो यह सारी चीजें होने के कारण आपके घुटने में दर्द काफी हद तक बढ़ जाता है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज बिगर डॉक्टर को कंसल्ट करें, फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें, आपके लेवल पे कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज, जिनसे घुटने का दर्द काफी ज्यादा बढ़ जाता है। नी पेन से एक एज के बाद हर कोई नी पेन का शिकार होता है, और उस समय उसको ऐसा लगता है कि भगवान मेरा बस घुटने का दर्द ठीक कर दो, मैं बहुत अच्छा हो जाऊं। तो नी पेन आपको जो एज के कारण आर्थराइटिस हो रहा है, जो आपका घुटना घस रहा है, उस कारण ये डेवलप हो रहा है, इन्फ्लेमेशन बढ़ने के कारण डेवलप हो रहा है। तो नी पेन को कम करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फिजिकल थेरेपी, जैसे कि फिजियोथेरेपी, क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग के मसल्स को मजबूत कर रहे हैं जिससे आपके घुटने के ऊपर लोड कम आए, डायथर्मी डिवाइसेस, ये सारी चीजें, सो अल्ट्रासाउंड थेरेपी, ये सारी चीजें। दूसरा, आप एनर्जेसिक्स पेन किलर्स ले सकते हैं जो बॉडी में जाने के बाद आपके पेन को कम करते हैं। तीसरा, विस्को सप्लीमेंट्स आते हैं जो आपके घुटने के लिक्विड को बढ़ाते हैं, आपके कार्टिलेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। चौथा, आप असिस्टिव डिवाइसेस जैसे कि नी ब्रेसेस, नी बेल्ट, अलग अलग टाइप के ब्रेसेस बेल्ट्स आते हैं, वो यूज कर सकते हैं, जो ऑफलोडिंग करते हैं आपके घुटने के ऊपर का लोड कम करते हैं और आप बेहतर महसूस करते हैं। हम घरेलू इलाज जो अपन घर में सिकाई करते हैं, कभी ठंडे से गर्म से, ये सारी चीजें भी आप कोशिश कर सकते हैं। जब इन सारी चीजों से आपका दर्द कम नहीं हो रहा है तो आपको वो दर्द क्यों हो रहा है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके, एक्सरे करके, एमआरआई करके पता चलेगा कि डायग्नोसिस क्या है। उसके आधार पर आपको डॉक्टर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। उसका एक परमानेंट ट्रीटमेंट यह भी हो सकता है कि आपको अगर आर्थराइटिस बहुत ज्यादा है तो आपको नी रिप्लेसमेंट थेरेपी भी सजेस्ट की जाए। और आपका आर्थराइटिस कम है तो आपने किस फॉर्म में फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए और उसको धीरे धीरे कैसे बढ़ाना चाहिए, ये सजेशन आपको डॉक्टर से या फिजिकल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करके मिल सकता है।